नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भीलवाड़ा लोकवाणी में। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवड़िए कहा जाता है, पवित्र जल भरते हैं और फिर बाद में उसी पवित्र जल से शिवालयों के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए महादेव को प्रसन्न करते हैं। सावन माह में देश भर से कांवड़ और झंडा यात्राएं निकालते हैं, ऐसा ही नजारा शहर के कृष्णावतों की खेड़ी में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार बुधवार को तिलस्वा महादेव से शुरू हुई कांवड़ यात्रा शुक्रवार को कृष्णावतों की खेड़ी में पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछाकर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण डीजे की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। सावन महीने की चतुर्दशी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। कहने को तो ये धार्मिक आयोजन भर है, लेकिन इसके सामाजिक सरोकार भी हैं। कांवड़ के माध्यम से जल की यात्रा का यह पर्व सृष्टि रूपी भगवान शिव की आराधना के लिए किया जाता है। इस दौरान सायकाल ग्रामीणों द्वारा भंडारे का आयोजन किया जाता है, बंधु हवन का और छप्पन भोग का आयोजन भी किया जाता है। इसे लेकर देखिए भीलवाड़ा लोकवाणी के लिए विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट। मेरा ये कहना है कि इससे क्या है कि भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें क्या है कि भगवान का विवाह हुआ था इस सावन के अंदर, तो लास्ट में क्या है, नौ नदियों का जल लेके आए थे देवता लोग, तो उनका अभिषेक करके और दूल्हा बना करके लेके गए थे। तो लास्ट में उनका विवाह हुआ था इस टाइम में, इसलिए हम गंगा जल को लेकर के आते हैं और हम विश्वास करते हैं इस चीज़ पे कि इसको लेकर आने के बाद में हमारे गांव में किसी प्रकार का रोग दोष सब कोई पास नहीं आता। इसके प्रति हमारे को इतनी लगन है कि इसको लेकर आते ना तो हमारे को जोश आता है। जैसे भगवान को एक अभिषेक करके दूल्हा बनाना, हम दूल्हा बना के इसको शादी करेंगे इस तरफ के बाद। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया आपने? ये हमने तिलस्वा महादेव से यात्रा प्रारंभ की है और यहाँ आकर के ये तीसरे दिन संपूर्ण हुई है। मतलब पाँच दिन हुए, ये पांचवी कांवड़ यात्रा है। फर्स्ट कांवड़ यात्रा हमने त्रिवेणी से चालू की, उसके बाद मातृपुंडिया से लाए थे, तीसरी बार मनसा बावड़ी से, ये पांचवी कांवड़ यात्रा मातृपुंडिया से लेकर आ रहे हैं। वहाँ क्या है, वहाँ क्या है कि रोग है ना, जो चरम रोग उस कुंड में नाने से चरम रोग चला जाता है, इसलिए हम वहाँ से ये कांवड़ लाओ यात्रा लेकर आए हैं, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जा सकता। तो हम चाहते हैं कि हमारा महादेव जी यहीं वो काम कार्य करे और उनके नाम से हम यहाँ किसी भी तरह का धागा बांध करके हम उसको बोलते हैं कि भाई वहाँ जा करके वो डूब दे करके आ जाना। भगवान शिव के भक्तों को आपका संदेश देना चाहते हैं? भगवान शिव को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भगवान के हमेशा साथ रहते हैं 24 घंटा, और शिव के भक्त को कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसके शास्त्र भी साथ में है और शस्त्र भी साथ में रखना चाहिए। भगवान शिव भी कहते हैं कि कभी अपने एक हाथ में शास्त्र और दूसरे में शस्त्र रहना जरूरी है। स्टे अपडेटेड ऑलवेज विद भीलवाड़ा लोकवाणी न्यूज ऐप। हम लाते हैं ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए हर दिन। कभी भी कहीं भी देखें ताज़ा खबरें आपके मोबाइल पर, देखें न्यूज़ वीडियोस किसी भी टाइम।